नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विद्या एकेडमी पर। मैं योगेश कुमार आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं, और उम्मीद और आशा भी करता हूं कि आप सभी लोग कैसे होंगे, अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, और जल्दी ही जो है आपको क्या है नौकरी जो है मिलने वाली है। उसके लिए आप निरंतर और सतत प्रयास क्या है करते रहिए। बस इसी उम्मीद और आशा के साथ आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं, और आज है हमारा 3 अप्रैल 2024। तो 3 अप्रैल 2024 को जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है वो सब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाली हैं। देखिए, ये जो आपकी क्लास है वो सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए क्या है काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। चाहे आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हो, SSC GD UPSI है ना, STAT की तैयारी कर रहे हो, UPTET RO ARO, आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। चलिए, तो अपनी कॉपी और पेन को निकाल लीजिए, और आपको ये क्लास शुरू से लेकर लास्ट तक देखनी होगी, तभी आप कुछ सीख पाएंगे। क्वेश्चन ऑफ द डे पर हम बात करते हैं। देखिए, SOCHOM के क्या बने हैं, नए अध्यक्ष बने हैं आपके। अंतरराष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस पर भी हम चर्चा करेंगे, और ये क्लास आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। जो लोग लाइव जुड़े हुए हैं वो अपने दोस्तों तक क्लास का लिंक क्या है शेयर कर देंगे, जिससे सभी लोगों तक क्लास का लिंक पहुंच पाएगा। आज का मोटिवेशनल कोट नहीं लग पाया है, चलिए कोई बात नहीं है, अगर जीत हो जीतने की तो हार को भी क्या है पीछे रहना पड़ेगा, और उससे आगे आपको निकलकर क्या है जीतना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि SOCHOM के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है, किसको बनाया गया है, SOCHOM के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो देखिए, ये बने हैं आपके संजय नायर। किसको बनाया गया है, संजय नायर जी को बनाया गया है। किसका स्थान लिया है, तो अजय सिंह के स्थान पर। किसके स्थान पर, अजय सिंह के स्थान पर जो है SOCHOM के नए अध्यक्ष बने हैं संजय नायर आपके। अब देखिए कि SOCHOM की स्थापना कब की गई, तो SOCHOM की स्थापना की गई 1920 में। कब की गई, 1920 में की गई। मुख्यालय नई दिल्ली में है, और अध्यक्ष बने हैं इसके संजय नायर बने हैं। तो SOCHOM की फुल फॉर्म क्या है, तो देख लीजिए, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, ये है आपका SOCHOM, ठीक है। इसकी स्थापना 1920, असहयोग आंदोलन होता है आपका 1920 में ही आपका, तो आपको डेट भी याद रखनी है आपकी। और हेडक्वार्टर तो मोस्टली क्या है नई दिल्ली में ही आपके होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाइए, ठीक है। जुडीथ सुमिनवा तुलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त की गई है आपकी। अब तक क्या था, यहां पर कोई भी महिला प्रधानमंत्री नहीं थी, तो पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है आपकी कहां की, कांगो की। कहां की बनी है, कांगो की। और कांगो जो है एक मध्य अफ्रीका का क्या है, एक देश है आपका कांगो। कहां पर पड़ेगा ये, मध्य अफ्रीका में। तो लोकेशन आप यहां पर मैप में देख लीजिएगा, ये है आपका कांगो, ये है आपका क्या, कांगो है आपका। अगर आप, ये है आपका पूरा अफ्रीका महाद्वीप है आपका, तो अफ्रीका महाद्वीप में जो है आपका कांगो कहाँ है, ये गया आपका कांगो आपका। अब अगर आप बात करेंगे तो देखिए, अफ्रीका महाद्वीप वो देश है आपका जिससे तीनों रेखाएं होकर गुजरती है, चाहे कर्क रेखा हो, चाहे मकर रेखा हो, चाहे वो आपकी विषुवत रेखा हो, ये भी कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है, ठीक है। इसकी लोकेशन देखिए, ये गई आपकी कांगो की लोकेशन है आपकी। अगर बात करेंगे कि कांगो की राजधानी क्या होगी, तो कैपिटल होगी इसकी किंगशासा, किंगशासा, किंगशासा क्या इसकी राजधानी है, और यहाँ के राष्ट्रपति है फेलिक्स, यहाँ के राष्ट्रपति आपके फेलिक्स तिसेकेदी, ठीक है। ये यहाँ के कौन बने, अभी कांगो के नए राष्ट्रपति बने आपके। तो काफी महत्वपूर्ण आपका ये प्रश्न रहने वाला है, कांगो किस महाद्वीप में पड़ेगा, तो मध्य अफ्रीका महाद्वीप में जो है पड़ता है, और अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं होकर गुजरती है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे, ये है आपका इजिप्ट, ये आपके हॉर्न ऑफ अफ्रीका के वाले क्या है, देश है आपके हॉर्न ऑफ अफ्रीका के, इथोपिया, इरिट्रिया, जिबूती और सोमालिया, जो किसमें आते हैं आपके, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आते हैं आपके। मेडागास्कर को आप देख रहे हैं, मेडागास्कर भी यहीं पर है, स्विट्जरलैंड भी यहीं पर है आपका, और दक्षिण अफ्रीका भी कहाँ है, ये गया बोत्सवाना, कहाँ गया, ये गया जिम्बाब्वे, ये गया जाम्बिया, ये गया अंगोला, ये गया नामीबिया, ये गया। तो ये कुछ आपके क्या है, अफ्रीका महाद्वीप के कुछ देश है आपके। चलिए, क्लास आपको अच्छी लग रही हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो, तो लाइक कीजिए और अधिक से अधिक क्या कीजिए, शेयर कीजिए। ये देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस,
आप जानते ही हैं कि सभी बच्चे, देखिए जब हम लोग पढ़ते हैं तो क्या है, अपने मुंह को इस तरह से ढक लेते हैं कि कोई हमें देख ना पाए, कहीं हम नींद में तो नहीं है। तो ये देखिए इंटरनेशनल बुक डे कब मनाते हैं हम, तो इंटरनेशनल बुक डे है हमारा कब, 2 अप्रैल। बिल्कुल सही आंसर आया है सभी लोगों का, 2 अप्रैल को हम अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाते हैं। और अभी हमने 2 अप्रैल को ही विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस भी कब मनाया है, 2 अप्रैल को मनाया है। अगर आपसे पूछ ले कि पहली बार कब मनाया गया, तो 1967 में हमने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया था। इस वर्ष की थीम क्या है, तो देखिए क्रॉस द सीज ऑन द विंग ऑफ योर इमेजिनेशन, इस वर्ष की क्या है थीम है आपकी, किसकी, अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस की आपकी। अब देखिए अप्रैल माह में जो भी हमने दिवस अभी पढ़ लिए हैं उनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए 1 अप्रैल को आपको पता है मूर्ख दिवस है आपका, यानी अप्रैल फूल मनाते हैं आप। दूसरा दिवस है आपका 1 अप्रैल का उड़ीसा का उत्कल दिवस है आपका, कौन सा दिवस है, उत्कल दिवस है आपका। सीबीआई का स्थापना दिवस भी कब का है, 1 अप्रैल का है आपका। और 2 अप्रैल को आपका विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस। तो ये काफी महत्वपूर्ण आपके क्या है दिवस हुए हैं अभी अप्रैल माह में, तो आप इसको नोट कर लीजिए अप्रैल माह के सभी दिवसों को। आ जाइए ये देखिए, कल भी हमने एक जीआई टैग से प्रश्न पढ़ा था और आज भी हमारा एक जीआई टैग से प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के कितने उत्पादों को अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, कहां के उत्पाद है आपके, उत्तर प्रदेश के हैं, कितने उत्पाद हुए हैं। तो देखिए 15 उत्पादों को अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के 15 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है अब, यानी कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के पास जीआई टैगों की संख्या हो गई है कितनी, उत्तर प्रदेश के पास 69, यानी सर्वाधिक जीआई टैग वाला राज्य कौन सा हो गया है अब, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्य वाला जीआई टैग कौन सा हो गया अब आपका, उत्तर प्रदेश हो गया है। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु पहुंच गया है, तमिलनाडु के पास 58 उत्पादों का क्या है जीआई टैग है। कल हमने पढ़ा था त्रिपुरा के भी 2 पदार्थों को जीआई टैग दिया गया और असम के भी 6 प्रोडक्टों को क्या दिया गया अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग की बात करेंगे तो देखिए ज्योग्राफिकल इंडिकेटर होगा, इसके लिए अधिनियम आया 1999 में। अगर आपसे पूछे लागू कब से किया गया, तो 2003 से लागू किया गया और पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को दिया गया है जो पश्चिम बंगाल की है आपकी। तो पहला जीआई टैग 2004 में दिया गया है। कितने वर्षों के लिए दिया जाता है, तो 10 वर्षों के लिए जो है ये जीआई टैग दिया जाता है आपका। चलिए आ जाइए, भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कौन सी फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया गया है। देखिए अभी आपने मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देखिए इंजीनियर भी देख लिया है आपने, टीचर भी देख लिया आपके, और एक मिशन जाएगा जिसके साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाला है। तो देखिए पत्र आपने एक सीईओ भी को भी देख लिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी अब मानव की आवश्यकता क्या है कम पड़ेगी। तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में मानव की कम आवश्यकता होगी, केवल आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस बनेंगे यही क्या सब काम करने वाले हैं। तो देखिए कौन सी फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया है, तो यह है आपकी इरा, इसको क्या पढ़ेंगे IRAH इरा। अगर आपसे पूछ ले कि इसके डायरेक्टर कौन है डायरेक्टर, तो डायरेक्टर है आपके सैन भट्टाचार्य, ये जो है इसके क्या है डायरेक्टर है आपके इरा फिल्म के, ठीक है। तो इसका अभी ट्रेलर क्या है लॉन्च किया गया है। अब देखिए कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आपने पढ़ रखे हैं उनका रिवीजन कर लेते हैं। जैसे अभी आपने डेविन को सुना था, तो दुनिया का पहला क्या है आपका आर्टिफिशियल क्या है, ये आपका इंजीनियर है, आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जिसे अमेरिका के द्वारा कॉन्जिनेशन कंपनी के द्वारा इसको बनाया गया था। मिका क्या है, तो दुनिया की पहली सीईओ है आपकी मिका। आयरिस क्या है, यहां पर आयरिस होगा, तो आयरिस क्या है दुनिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीचर है, जिसको केरल में क्या है लॉन्च किया गया है। शांतिगिरी विद्याभवन क्या है, तो भारत का पहला आर्टिफिशियल स्कूल है जिसको केरल में खोला गया था। लीसा क्या है, देश की पहली महिला न्यूज एंकर है जिसको उड़ीसा में लॉन्च किया गया था। व्योम मित्र क्या है, तो इसरो द्वारा गगनयान मिशन से पहले जो है ये मिशन भेजा जाएगा। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण क्या थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो विभिन्न विभिन्न जगह जो है स्थापित किए गए हैं और विभिन्न विभिन्न कार्यों में इनका योगदान लिया गया है। आगे आ जाइए,
ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है आपका कि हाल ही में चर्चा में रहा कच्चा थुवू द्वीप किस देश में स्थित है। आप इसका अच्छे से नोट्स बना लेना कि आने वाली जो भी भर्ती परीक्षाएं होंगी वहां पर ये वाला द्वीप पूछने की प्रबल संभावना होगी 99.99%। ठीक है, और जो बचा है वही परसेंट आपका आने वाला है। चलिए, तो कच्चा द्वीप ये आला जो है श्रीलंका, यानी भारत और श्रीलंका के बीच अभी क्या ये विवाद का कारण बना हुआ है। वैसे ये कहां पर स्थित है आपके? श्रीलंका में स्थित है आपके। भारत का आपका क्या है? पड़ोसी देश भी है आपका श्रीलंका। तो देखिए, ये आप पहले इसकी लोकेशन को देख लीजिएगा अच्छे से। ये देखिए आपका, ये है श्रीलंका, ये रामेश्वरम द्वीप है, ये है आपका कौन सा है, कच्चा थुवू द्वीप है, जो 285 एकड़ में जो है फैला हुआ है आपके। क्या इसकी हिस्ट्री है? तो देखिए, कच्चा थुवू टाइमलाइन देखिए, 1902 से पहले रामनाथ या रामनाथनपुरम साम्राज्य का इस द्वीप पर क्या होता था शासन होता था, कब? 1902। फिर 1902 में अंग्रेजों ने इस द्वीप को कब्जे में लेकर इस पर पट्टे रामनाथपुरम साम्राज्य को दे दिया था, यानी पट्टे पर लेकर उसको दे दिया था अंग्रेजों ने। उसके बाद देखिए 1913 में द्वीप को लेकर भारत सरकार के सचिव और रामनाथपुरम के राजा के बीच एक क्या हुआ था? समझौता हुआ था। इन दोनों को आप देख पा रहेंगे, ये है भारत की कौन? प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी आपकी, और ये श्रीलंका की। अब देखिए, ये वाला पॉइंट आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है कि 1974 में इंदिरा गांधी ने, तब श्रीलंका की राष्ट्रपति थी, श्री भावो भंडार नायके के साथ समझौता किया किसको, और ये द्वीप किसको दे दिया है? श्रीलंका को दे दिया 1974 में इंदिरा गांधी के द्वारा। उसके बाद देखिए 1991 में तमिलनाडु विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से इस द्वीप को वापस लेने की क्या है? मांग की। क्या? आप जानते ही हैं ये वाला पास में कौन सा है? तमिलनाडु राज्य है आपका। 2008 में तमिलनाडु की तत्कालीन प्रधान जो मुख्यमंत्री थी जयललिता ने सुप्रीम कोर्ट में कच्चा थुवू द्वीप समझौते रद्द करने की क्या है? मांग की थी। उसके बाद 2023 में तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं एमके स्टालिन ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर इस द्वीप को वापस लेने की मांग की थी। तो ये विवाद का कारण बना हुआ है। अब जो है भारत और श्रीलंका के बीच थोड़ा सा क्या है? विवाद हो गया है, क्योंकि कौन सा द्वीप है आपका? कच्चा थुवू द्वीप है आपका। उसके बाद देखिए रामेश्वरम भी है आपका और पाक जल संधि है, आपको इसमें अच्छे से दिख रहा होगा। ये देखिए आदम ब्रिज है आपका, मन्नार की खाड़ी है आपकी, और ये आपकी पाक जल संधि है, जिससे भारत और पाकिस्तान जो है क्या है जुड़ा, सॉरी भारत और श्रीलंका जुड़ा हुआ है आपके। ठीक है, तो कच्चा थुवू द्वीप श्रीलंका में स्थित है, जिसे 1974 में जो है भारत की प्रधानमंत्री कौन थी आपकी? इंदिरा गांधी ने जो है श्रीलंका को दे दिया था आपके। राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का जो है पुरुष व महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो देखिए खो खो चैंपियनशिप है आपकी 2023-24, पुरुष और महिला एकल का खिताब जीत लिया है महाराष्ट्र ने। किसने जीता है? महाराष्ट्र ने। अगर आपसे बात करेगा कि इंडियन खो खो फेडरेशन, इंडियन कौन सा आएगा? खो खो फेडरेशन। अगर आपसे बात करें कि इंडियन खो खो फेडरेशन की स्थापना देखेंगे पहले, स्थापना कब की गई? तो देखिए स्थापना की गई 1955 में। अगर आपसे पूछ रहे मुख्यालय कहां स्थित है, तो नई दिल्ली में जो है इस संस्था का मुख्यालय स्थित है। अगर आपसे बात करें कि इसके अध्यक्ष कौन है आपके, तो सुधांशु मित्तल हैं। सुधांशु मित्तल जो है खो खो संघ के क्या है? वर्तमान में अध्यक्ष हैं आपके। तो इसमें जो है महाराष्ट्र ने पहला स्थान हासिल किया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई, तो इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। कहां पर किया गया इस प्रतियोगिता का आयोजन? नई दिल्ली में किया गया है। काफी महत्वपूर्ण आपका ये प्रश्न रहने वाला है। जो भी प्रश्न आज मैंने आपको कराए हैं और अभी रह गए हैं, तो ये सभी प्रश्न आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए क्या है? काफी महत्वपूर्ण है आपके। आगे देखिए, ये देखिए दो प्रतियोगिताओं को आप देख लीजिए। संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? फुटबॉल से आपका। संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? फुटबॉल से आपका। फाइनल मैच देखिए इसका अरुणाचल प्रदेश में खेला गया, 77वां संस्करण था, विजेता बना सर्विसेज और उपविजेता कौन है? गोवा। यानी संतोष ट्रॉफी जो है सर्विसेज गोवा के बीच खेली गई, सर्विसेज इसका विजेता है और गोवा जो है इसका
उप विजेता है आपका। रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है? क्रिकेट से है आपका। तो रणजी ट्रॉफी 2023-24 का विजेता कौन हो गया है? मुंबई हो गया है। विदर्भ को हराकर जो है मुंबई ने 42वीं बार जो है इस कप को जीत लिया है आपके। और रणजी ट्रॉफी का इस बार 89वां संस्करण था। 5 जनवरी से 14 जनवरी 2024 तक जो है इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। रणजी ट्रॉफी मुंबई और संतोष ट्रॉफी कौन है आपका? सर्वश्रेष्ठ इसका विजेता है। कल देखिए मियामी ओपन आपने मिक्स्ड युगल का खिताब देखा था और आज पढ़ने वाले हैं आप मियामी ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब जो है किसने जीता है। तो जैनिक सिनर ने जो है इस कप को जीत लिया है और ये इतावली के रहने वाले हैं। किसके रहने वाले हैं? इतावली के। किसको इन्होंने भराया है? तो ग्रिगोर त्रिदेव को हराकर, इनको हराकर जो है मियामी ओपन 2024 का खिताब जो है जैनिक सिनर ने अपने नाम कर लिया है आपके। ठीक है, कल रोहन बोपन्ना को भी आपने पढ़ा था कि उन्होंने मिक्स्ड युगल का खिताब ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी के साथ जो है मियामी ओपन का मिक्स्ड युगल खिताब जो है उन्होंने अपने नाम किया है। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया ओपन इस वर्ष का पहला ओपन होता है आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया ओपन का आयोजन 14 से 28 जनवरी 2024 तक मेलबर्न में किया गया। इस बार इसका कौन सा संस्करण था? तो 112वां संस्करण था। इस प्रतियोगिता का आयोजन 1905 में किया गया था लेकिन पहली बार महिलाओं को इसमें 1922 में शामिल किया गया था। देखिए 2024 में ऑस्ट्रेलिया ओपन का पुरुष एकल विजेता कौन है? तो जैनिक सिनर है आपके, इटली के हैं आपके। डेनियल मेदवेदेव रूस के हैं, उपविजेता हैं। आर्या सवलेका महिला एकल विजेता हैं आपकी, विजेता हैं आपकी। ठीक है, किसको हराया इन्होंने? झेंग किनबाम को हराकर जो है महिला एकल का खिताब, आर्या सवलेका जो बेलारूस की हैं ये जो है इसकी महिला एकल विजेता बनी है आपकी। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन जो है ये क्या है? ग्रैंड स्लैम में से एक ओपन है आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन, यानी इस वर्ष का प्रारंभ में ओपन है आपका। ENBA लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए ENBA लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? तो विनीत जैन जी को जो है इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, भारतीय टेलीविजन समाचार के क्षेत्र में जो है इनको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है आपके। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण अवार्ड जो अभी हाल ही में रिसेंटली दिए गए हैं उनका एक बार मेरे साथ रिविजन कीजिएगा आप। रिवीजन नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार रतन टाटा को दिया गया। डायना मेमोरियल पुरस्कार उदय भाटिया और मानसी गुप्ता को दिया गया है। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 ग्रीष्मा कुठार और ऋतिका चोपड़ा को दिया गया है इस बार। देखिए डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से अभी द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया गया। मॉरिशस की यात्रा पर गई थी तो वहीं इनको ये सम्मान दिया गया था। ठीक है, मॉरिशस के राष्ट्र दिवस पर। इरास्मस पुरस्कार 2024 से इस बार अमिताभ घोष जी को सम्मानित किया गया है और यह पुरस्कार जलवायु परिवर्तन पर अपने लेखन के लिए दिया गया है और यह अवार्ड नीदरलैंड में क्या है इनको प्रदान किया गया, अमिताभ घोष इरास्मस पुरस्कार 2024। तो जो भी ये अवार्ड है आपके सभी अवार्ड क्या है? काफी महत्वपूर्ण अवार्ड है। इनको आप अपनी एक कॉपी नोटबुक में जहां पर आप लिख रहे हैं वहीं पर आप इनको अच्छे से लिख लीजिएगा। कभी ना हारने वाली क्या है ये कहानी है आपकी और सफल होकर क्या है ये आपको सबको सुनानी है। चलिए गगन शक्ति युद्धाभ्यास 2024 का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो देखिए गगन शक्ति गगन को छूने के लिए भारतीय वायुसेना के द्वारा इसका आयोजन अभी राजस्थान के पोखरण में किया जा रहा है। कहां पर? राजस्थान के पोखरण में किया जा रहा है। 1 से 10 अप्रैल 2024 तक जो है ये मतलब चलने वाला है आपका युद्धाभ्यास। अब देखिए यहां पर आया है भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स। तो भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को होती है। इसका आदर्श वाक्य है नृपम नवम नभ स्पर्शम दीप्तम। ठीक है, ये इसकी क्या है, क्या है मोटो है आपका। अगर मुख्यालय आप सभी लोगों को पता ही है कि मुख्यालय कहाँ होगा इसका, नई दिल्ली में होगा। और वायुसेना के जो अध्यक्ष हैं आपके महानिदेशक हैं वो हैं आपके वी आर चौधरी। कौन है?
वी आर चौधरी जो है वायुसेना के वर्तमान में कौन है, महानिदेशक है आपके। तो गगन शक्ति युद्धाभ्यास 2024 कहां पर हो रहा है, राजस्थान के पोखरण में, 10 दिवसीय तक जो है ये चलने वाला है आपके। तो ये थे आज के आपके 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न, जो आने वाली परीक्षा के लिए क्या है, काफी महत्वपूर्ण है आपके, अच्छे से आप इनको लिख लीजिएगा। आगे आ जाइए, कल के करंट अफेयर्स का टेस्ट आप सभी लोग अपने अपनी कॉपी पर आंसर्स लगाएंगे, गलत होगा तो गलत बताएंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक किसे बनाया गया है, तो देखिए श्रीमती शेफाली बी शरण को बनाया गया है मनीषा देसाई की जगह। फिक की महिला संगठन की अध्यक्ष कौन बनाई गई, तो जय श्री दास वर्मा जी को बनाया गया है। फिक की महिला संगठन की क्या बनी है, अभी हाल ही में अध्यक्ष बनाई गई है। आत्मा के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो अर्णव बनर्जी को आत्मा के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत ने किस देश में सीताराम मीणा को अगला दूत नियुक्त किया है, तो ये नियुक्त किया है इनको नाइजर में, कहां पर, नाइजर में जो है इनको नियुक्त किया गया है आपके। तो एक फॉर अमेरिका क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आरबीआई ने अभी हाल ही में 2024 में अपनी कौन सी वर्षगांठ बनाई, तो इन्होंने बनाई है अपनी 90वीं वर्षगांठ। किस राज्य ने पेरा और रिंग नाई पचरा को जीआई टैग दिया है, तो ये दिया था अभी हाल ही में किसने, त्रिपुरा राज्य सरकार ने जो है जीआई टैग दिया है आपके। आगे की तरफ चलेंगे, तो आगे था कोरोना वायरस की निगरानी के लिए एक वैश्विक पहल प्रयोगशाला कोविनेट को किसने लॉन्च किया, तो WHO के द्वारा जो है इस प्रयोगशाला को लॉन्च किया गया है। हॉकी इंडिया पुरस्कार 2023 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड किसे दिया गया, तो ये दिया गया सलीमा टेटे को जो है वर्ष का सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड जो है दिया गया है आपके। आगे बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत पुरस्कार से जो है मीरा चरांदा को जो है सम्मानित किया गया है। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाते हैं, तो विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाते हैं आप 2 अप्रैल को, कब मनाते हैं 2 अप्रैल को ये दिवस मनाया जाता है। अब आ जाते हैं स्टैटिक जीके की तरफ, तो आज काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका। चलिए अभी 2 प्रश्न और रह गए हैं। सिंहोत्सव उत्सव पता ही है आपको गोवा में मनाया जाता है। मियामी ओपन पुरुष युगल का खिताब मैट वेडन और रोहन बोपन्ना ने जो है अपने नाम किया है आपके, क्योंकि कल आपके ज्यादा प्रश्न थे करंट अफेयर्स के। चलिए स्टैटिक जीके पर आ जाते हैं, आज काफी महत्वपूर्ण आपका केमिस्ट्री का क्या है, आपका केमिस्ट्री का है टॉपिक। तो देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल कई बार एग्जाम में पूछा गया है, किसका सूत्र है, क्या सूत्र है, H2SO4, और उपयोग किया जाता है इसके उद्योग के क्षेत्र में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का HCl होगा आपका, और ये भी उद्योग के लिए प्रयोग किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल HNO3 होगा आपका, सूत्र जरूर याद रखना, और इसका भी उद्योग के रूप में प्रयोग किया जाता है। एसिटिक अम्ल CH3COOH, और किसमें होगा ये, सिरके में होगा आपका। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जिसे क्षार कहते हैं या कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। कॉपर सल्फेट CuSO4 होगा आपका, है ना, बोडेक्स पाउडर के रूप में जो है फंगी नाशक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 होगा, और दर्पण बनाने में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, ठीक है, फोटोग्राफी में इसका प्रयोग किया जाता है। सोडियम थायोसल्फेट, जिसको हाइपो कहते हैं, Na2H2O3, और इसका प्रयोग भी फोटोग्राफी में किया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO होगा, और ये होता है जल गैस बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होगा, अग्निशामक के रूप में, काफी महत्वपूर्ण ये पॉइंट है आपका, अग्निशामक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का प्रयोग किया जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड होगा SO2, सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में जो है SO2 का प्रयोग किया जाता है। ये सभी जितने भी सूत्र मैंने आपको लिखाए हैं, इनको आप कॉपी पे नोट कर लेना, आने वाली जो भी परीक्षा होती है वहां पर एक प्रश्न आने की यहां पर क्या है, प्रबल संभावना होती है, तो आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए अब आ जाते हैं होमवर्क के प्रश्न पर, कौन सा आपको होमवर्क दिया था, तो देखिए पहला प्रश्न था आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो आयरलैंड के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं सबसे युवा साइमन हैरिस बने हैं। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई 1921, तो ए फॉर अमेरिका क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, और यही आगे चलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्या हो गई, कन्वर्ट हो गई आपकी। चलिए
आगे आ जाएंगे, आज के होमवर्क के प्रश्नों की तरफ चलते हैं। कौन सा है तो देखिए, भारतीय भारतीय तटरक्षक जो जहाज है आपका ICGS समुद्र पहरेदार किस देश की यात्रा पर गया है? अमेरिका, फिलीपींस, म्यांमार, नेपाल। इलाहाबाद का पुराना नाम क्या था? ठीक है, बनारस, अवंतिका, पाटलिपुत्र, प्रयाग। तो ये आपके दो प्रश्न क्या है, होमवर्क में है। इन दोनों प्रश्नों के आंसर जो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं कि क्या रहे हैं आपके आंसर। तो कल की जो वीडियो के जो आंसर्स हैं, केवल दो से तीन ही लोगों ने जो है आंसर बिल्कुल सही दिए हैं, दोनों दिए हैं, अन्यथा सभी लोगों ने एक एक प्रश्न के उत्तर जो है देने का प्रयास किया है। आपको दोनों प्रश्नों के उत्तर देने हैं, एक आपका करंट अफेयर्स से होता है, एक आपका स्टैटिक जीके वाला पार्ट होता है आपको। तो कभी भी आपको हार नहीं माननी है, हमेशा निरंतर और सतत प्रयास करते रहना है। कैसी लगी आज की ये मेरी वीडियो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, और यदि आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर सकते हैं और अधिक से अधिक आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो जीने में, जब आग लगी हो सीने में। तो इसी तरह आपको जो है अपने अंदर जो जुनून है आपका, पागलपन है नौकरी के प्रति, वो ऐसे ही क्या है, ऐसे ही आपको आगे अग्रसर रखना है, जिससे आप सफलता की ओर अग्रसर हो सकें। और तभी आपको रुकना है जब तक आप अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच जाएं। और एक छोटा सा लक्ष्य आप जरूर टारगेट किया करिए रोज, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप पूरा दिन प्रयत्न करेंगे तो आप एक ना एक दिन सफल जरूर होंगे। और छोटा हो या बड़ा हो, लक्ष्य हमेशा लक्ष्य ही होता है। बड़ा होगा वो भी पूरा करना है, छोटा होगा वो भी पूरा करना होगा, बस आपकी मानसिकता ये डिसाइड करती है लक्ष्य कैसा है। चलिए आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, गुड नाइट।